तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कार क्या कर रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी, सेम डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में और एक सिंगल डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर हमने इसके सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, किस टाइम में हमें चाहिए। तो टाइम हमारा एक हमें बी पे चाहिए, सपोज ये मान लो 4 आवर्स है, एक टाइम ए है, ए का मतलब चलो 1.5 आवर्स ले लेते हैं, 1 से थोड़ा ज्यादा है तो 1.5 ले लेते हैं। तो इसने 1.5 आवर्स से 4 आवर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हमने T1 कितना लिया है 1.5, T2 कितना लिया है 4, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कैसे निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ, मैं वर्ड वेलोसिटी यूज करूंगा, तो ये वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एरिया कैसे निकाला, ए सी यानी ये वाली डिस्टेंस वी और इंटू सी डी ये वाली डिस्टेंस। तो ए सी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी थी T2 माइनस T1 आवर, T2 माइनस T1 आवर। तो वैल्यू रख के देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो 40 था और इसकी यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और इसकी इसकी वैल्यू रखें तो 4 आवर माइनस 1.5 आवर, तो कितना आया था 2.5 आवर, 2.5 आवर। तो देखो आवर से आवर कट गया, 40 × 2.5 करोगे तो क्या आएगा 100 किलोमीटर। तो इतनी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 2.5 आवर में, 100 किलोमीटर। थोड़ा सा उतना सही नहीं है क्योंकि ये 1.5 एग्जैक्टली नहीं है, बट समझने के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1.5 नहीं है, यहाँ से ये 1.5 से थोड़ा सा कम है, बट एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा है कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ऑब्जेक्ट या वो कार कितने में, 2.5 आवर में। और ये किसके बराबर होगी, एरिया जो है रेक्टेंगल का ए बी डी सी के बराबर। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन बाई प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब क्या है, अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था, अब लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन देख रहे हैं। एक्सलरेटेड तो है बट कैसे एक्सलरेटेड है, यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, सपोज 2, 4, 6, 8 और 10, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन वो कैसे बढ़ रही है, इक्वल 2, फिर देखो डिफरेंस कितना आया 2 का, फिर 2 का आया, फिर 2 का आया। एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होती, वेलोसिटी पहले 2 थी, फिर 7 हो गई, फिर जो है 12 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर क्या हो गया 19 हो गई। तो यहां डिफरेंस देखो 5, फिर यहां पे भी 5 है, लेकिन यहां कितना हो गया 4, यहां कितना हो गया 3। तो ये एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी बढ़ रही है यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, कभी 5 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है। यहां क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, इक्वल हो रहा है, 2 का ही एक्सेलरेशन हो रहा है वेलोसिटी में हर सेकेंड। तो ऐसे करके अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेटेड मोशन देखना है, बट जब वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अब हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम कैसे पता करते हैं। कंसीडर अ कार बीइंग ड्रिविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। तो अब क्या हो रहा है, हम एक कार को जो है ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं हम, उसके इंजन का टेस्ट कर रहे हैं। सपोज अ सिटिंग पर्सन नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो ड्राइवर तो कार चला रहा है और उसके साथ में जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, हर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी नोट कर रहा है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी नोट कर रहा है, ना कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी नोट कर रहा है बाई नोटिंग द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर ऑफ द कार। तो कार में एक स्पीडोमीटर भी होता है जिसपे आती है उसकी स्पीड कि 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो नोट कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकेंड एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इज शोन इन टेबल 8.3।
तो जो कार की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, तो वो क्या है, वो डिफरेंट टाइम पर यहाँ नीचे लिखी हुई है दोनों यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। इसे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है उस कार की हर 5 सेकंड पे। तो देखते हैं, तो टेबल है ये, टाइम किस में है, सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में भी दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में भी दे रखी है। जब टाइम जीरो है तो दोनों जीरो है, यानी कार स्टार्ट अभी नहीं हुई है। फिर कार स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई, 2.5, यहां कितनी हो गई, 9। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, यहां कितनी हो गई, 18। और हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना होता है, वो हम कर लेंगे। तो फिर 15 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 7.5 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम से बढ़ रही है, ठीक है। तो 10 पे ये हो गई, 20 पे 10 मीटर पर सेकंड, 25 पे 12.5 मीटर पर सेकंड और 30 पे 15 मीटर पर सेकंड, या 27 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहां देखो 9 9, सब में डिफरेंस कितने का है, 9 किलोमीटर पर आवर का, 9 किलोमीटर पर आवर का, जबकि यहां डिफरेंस देखोगे 2.5 मीटर पर सेकंड का ही डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो भी है कांस्टेंट है, तो ये एक अलग चीज है कि किलोमीटर में अलग आ रहा है वैल्यू, मीटर पर सेकंड में अलग, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। टाइम में डिफरेंस 5 सेकंड का है, वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड में डिफरेंस हमारा 2.5 मीटर का है, और किलोमीटर पर आवर में 9 किलोमीटर पर आवर का ही डिफरेंस का है। तो डिफरेंस यूनिफॉर्म है। अब डिफरेंस यूनिफॉर्म है इस केस में वेलोसिटी टाइम कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इन दिस केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन इन फिगर 8.6। तो क्या ये जो नीचे फिगर दिखा रखा है इसमें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई चीज, एक चीज यूनिफॉर्म होगी, तो पहले वाले में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिफॉर्म थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल आ रही थी इक्वल टाइम में, तो कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन आई थी। और हमने क्या कहा था, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी उसमें, तो क्या आया था, स्ट्रेट लाइन। अब की बार क्या आ रहा है, हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही इक्वल टाइम में, तो फिर ग्राफ क्या आया हमारा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो भी क्वांटिटी ये वाई एक्सिस पे है, जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है वो इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। अब की बार किस पे, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो इस एक्सिस पे क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस पे टाइम, तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो किसका आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। जब सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। और ये कैसे आएंगे, दोनों ग्राफ क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, स्ट्रेट लाइन से हमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म है। द नेचर ऑफ द ग्राफ shows that velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. तो velocity कैसे change हो रही है, equal amount में हो रही है, velocity का change equal है equal time में, यानी अगर हम 5 second में देख रहे हैं तो 2.5 ही change हो रही है। Thus all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. तो accelerated motion के लिए velocity time graph कैसा होगा, हमेशा एक straight line होगा। और यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसा है, स्ट्रेट लाइन आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या था, वो भी स्ट्रेट लाइन था। तो स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता चलता है कि वो मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होता। तो यहां देखते हैं, तो जैसे 5 सेकंड था तो ये क्या थी, स्पीड कितनी, 9 थी, 10 से थोड़ी सी कम है, यहां क्या हो गई, 18 हो गई 10 पे।
15 पे कितनी हो गई थी 27, यहाँ आ गई हमारी, और फिर 36, फिर 45, फिर 54. जब हम इसे मिक्स करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में हमें क्या पता चल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हर 5 सेकंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज जो हो रही है वो इक्वल है. हर 5 सेकंड में कितनी बढ़ जा रही है, 9 किलोमीटर पर आवर. तो ये ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन. तो एक बार हम हल्का सा रिवाइज या समराइज करते हैं. जब हमारा डिस्टेंस इस एक्सिस पे था, या इसे इसे उससे दिखा देते हैं, एस से डिस्टेंस था और ये टाइम था. जब ये स्ट्रेट आया तो कैसा मोशन था, यूनिफॉर्म स्पीड का या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का. ये कैसा था, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मान लेते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाएंगे. तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ था, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगा दिया मैंने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है हर इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रही, यहां पे वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रही. तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इक्वल अमाउंट में इक्वल क्वांटिटी, चाहे वो डिस्टेंस हो या वेलोसिटी हो, वो चेंज हो रही है.